देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विवाह पंचमी को लेकर रविवार की देर शाम गिरडी के टुंडी रोड स्थित कुटिया गली के महावीर मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता का विवाह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महावीर मंदिर पूजा समिति के नीलकमल भरतिया, पिंटू शर्मा, राजेश जालान के नेतृत्व में कोलकाता से आए कलाकारों की टीमों में भगवान राम, उनके अनुज भगवान लक्ष्मण बने झांकी के रूप में सजे कलाकारों के साथ भक्तों की टोली राम बारात के रूप में घोड़े पर सवार होकर, एक घोड़े में भगवान राम थे तो दूसरे में लक्ष्मण सहवाला के रूप में, हर कोई खुद में भगवान राम की भक्ति में मग्न था और पूरे उत्साह के साथ झूमते गाते चल रहे थे। कुटिया गली रोड स्थित मंदिर से निकलकर राम बारात शहर के आधे हिस्से का भ्रमण किया गया। शहर भ्रमण के बाद राम बारात वापस मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां धनबाद से गायक कलाकार पिंटू शर्मा के भजनों के बीच कोलकाता के इन कलाकारों ने राम सीता विवाह का मनमोहक झांकी पेश किया। इस दौरान मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ शामिल हुई। हर कोई राम जानकी विवाह का साक्षी खुद बनाने के लिए आतुर था। मंच पर भाई लक्ष्मण के साथ राम का वेश धरे कलाकार हर किसी को मंत्रमुग्ध किए हुए था। इस बीच अपनी सखियों के साथ राम जानकी का वेश धरे महिला कलाकार आई। मंच पर भाई लक्ष्मण के साथ राम का वेश धरे कलाकार हर किसी को मंत्रमुग्ध किए हुए था। इस बीच अपनी सखियों के साथ जानकी का वेश धरे महिला कलाकार आई तो जय श्री राम के जयकारों के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। धनबाद के गायक पिंटू शर्मा ने मौके पर भजनों की रसवर्षा कर विवाह समारोह में मौजूद श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राम जानकी ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली तो उन पर भक्तों द्वारा खूब पुष्प वर्षा की गई। वहीं इस पहले मंदिर में पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जानकी जी का कन्यादान पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया गया। कन्यादान पूजन के बाद राम जानकी विवाह समारोह की शुरुआत हुई। वहीं देर रात सजन गोट का आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर समिति के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राम जानकी के सजन गोट विधान में शामिल दिखे। कामोवेश हर राम जानकी विवाह। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।